हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मन्मथ बिरादर। मेरे इस चैनल में आपका सभी का स्वागत है। और आज एक नए विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, और वो विषय है प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन खेती ये क्या होती है? ये एक नए तकनीक की खेती है। और ये खेती क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या है, क्या ये भारत देश के इस कृषि क्षेत्र में कोई क्रांति कर पाएगी, इसके बारे में चर्चा करना है। इसके बारे में हमको कि इसमें क्या चुनौतियां हैं, या आगे भविष्य में इसका कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, या ये भारत देश के कृषि के लिए फ़ायदेमंद होगी या नहीं, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। चलो हम शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये ऐसी जो खेती है जिसको हम प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करते हैं, ये क्या होती है एक्चुअली। एक्चुअली प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये दिस इज़ एन प्रिसाइज एप्लीकेशन। प्रिसाइज एप्लीकेशन मतलब एक करेक्ट एप्लीकेशन, एक्यूरेट फार्मिंग इसको हम बोल सकते हैं। प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ ऑल इनपुट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक GPS, GIS, रिमोट सेंसिंग। जो अभी नए नए तकनीक, नए नए तंत्रज्ञान भारत देश में आ रहे हैं, जैसे कि GPS है, GIS है, रिमोट सेंसिंग है, ऐसे तंत्रज्ञान का यूज़ करके, ऐसे तंत्रज्ञान का उपयोग करके, जो खेती में ऐसे तंत्रज्ञान का उपयोग करके उसका एप्लीकेशन खेती के ऊपर करके, उसका जो फसल का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका कैसे हो सकता है, उसके हम बारे में ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर। किसान को सही समय पर और योग्य मात्रा में उसका खाद है, उसका पेस्टिसाइड है, जो उसके लिए मशीनरीज लगती हैं खेती के बोवाने के लिए, उसका इरिगेशन या पानी देने का उसका जो मात्रा है, ये सभी चीज़ें अपनी जो खेती है उसमें उपयोग करना है इस चीज़ का, तो इसका करेक्ट और एक्यूरेट यूज़ करने के लिए, उसका एक्यूरेट उपयोग करने के लिए ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर काम आती है। अभी हम देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या है। जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, प्रिसीजन फार्मिंग है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे जैसे बेसिक इसका फ़ायदा है कि जैसे इसके अपना जो खेती है उसका सर्वे हम कर सकते हैं, उसका नक्शा निकलवा सकते हैं उसका मेजरमेंट करके। दूसरा ये है कि उसमें सॉइल मॉइस्चर अपने ज़मीन में कितना है वो हम उसको मतलब निकाल सकते हैं। जैसे ज़मीन में अपने NPK होता है, जो खाद होता है उसमें NPK होता है, तो उसका जो मात्रा है उसका हम मात्रा भी पहचान सकते हैं। उसके साथ फसल में जो पेस्ट अटैक होता है, अगर कोई पेस्ट अटैक आया फसल पे उसको पहचान सकते हैं। बीज जो हम बोते हैं उसमें ज़मीन के नीचे उसका डेप्थ कितना है उसको हम पहचान सकते हैं। फसल की कितनी ग्रोथ हो गई है वो पहचान सकते हैं हम। उसका भी मैच्योरिटी हुआ है कि नहीं फसल का, वो भी हम उसको GPS के तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में। और उसके साथ सबसे बड़ा जो फ़ायदा है उसमें, कंप्यूटर जो ये सब डाटा होता है, कंप्यूटर ऑपरेशनल होता है, कंप्यूटर के ज़रिए ये पूरा डाटा हम उसको मैप कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि भारत देश में इसका उपयोग होगा क्या। प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक अच्छी तकनीक है, लेकिन भारत देश में बहुत चैलेंजेस हैं आज भी। फिर भी हम देखेंगे कि भारत देश में इसका उपयोग हो पाएगा। जैसे आपको सबको पता है कि भारत देश में आज युवा पीढ़ी खेती करना नहीं चाहती, क्योंकि खेती ऐसा अट्रैक्टिव क्षेत्र नहीं है करियर के अगर हिसाब से हम देखें तो। जैसे MS स्वामीनाथन ने भी कहा था, जो बहुत बड़े एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, कि अगर हमको युवा पीढ़ी को खेती में लाना है तो उनको कुछ तो एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की परिस्थिति में अगर हमको बदलना है खेती के लिए, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग हमको करना पड़ेगा। IT का जो क्षेत्र है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसका उपयोग हमको लाना पड़ेगा। तो हमारे देश में आज भी आप जानते हैं कि फसल की जो प्रोडक्टिविटी है आज भी कम है, और हम उसको बढ़ाना चाहते हैं, हमारा देश उसको बढ़ाना चाहता है। हर फसल की जो प्रोडक्टिविटी है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड स्टैंडर्ड वो कम है, उसको हमको बढ़ाना चाहिए। तो अगर उस हिसाब से हम अगर चर्चा करेंगे तो उसको फ़ायदा होगा हमारे भारत देश में, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का फ़ायदा होगा। तो उसमें बहुत सारे भी फायदे हैं, जैसे कि साइट स्पेसिफिक एंड एफिशिएंट फार्मिंग। जैसे साइट स्पेसिफिक मतलब हर राज्य में अपना खेती अलग अलग है, हर राज्य में जैसे साउथ में कुछ अलग फसल लिए जाते हैं, जैसे नॉर्थ जैसे पंजाब में अलग उसके कुछ फसल लिए जाते हैं।
तो ये साइट स्पेसिफिक खेती जो है, फार्मिंग है, हो सकती है। दूसरा इसका फ़ायदा है, इरिगेशन एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। आज की तारीख में इरिगेशन के फैसिलिटीज़ या पानी का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है खेती के क्षेत्र में, वो भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो फसल है उनको बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो उस केस में हम इरिगेशन एफिशिएंसी उसको बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेट पानी, जितना पानी लगेगा उतना ही हम पानी उसको दे सकते हैं। तो ये सेकेंड उसका फ़ायदा है। तीसरा है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र एक्सेस यूज़ हो रहा है आज की तारीख में। आज की तारीख में हम नाइट्रोजन बहुत सारा हम डाल रहे हैं, यूरिया बहुत सारा डालते हैं, तो वेस्ट होता है, और वेस्ट होने से बहुत सारी नदियाँ भी ख़राब होती है, बहुत सारी उसमें पानी भी ख़राब होता है हमारा। तो वो वेस्टेज जो हो रहा है फर्टिलाइज़र का, वो हम बचा सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तीसरा ये फ़ायदा है कि पेस्टिसाइड हम एक्सेस यूज़ कर रहे हैं। पेस्टिसाइड बहुत सारा यूज़ करके, आपको पता है कि पेस्टिसाइड के हम हेल्थ के ऊपर उसका हमको असर पड़ रहा है, जो ह्यूमन हेल्थ है आज की तारीख में, जो बहुत सारी लोगों की जाने जा रही, जैसे पंजाब में भी कैंसर हो रहे हैं, कैंसर जैसे रोग। तो पेस्टिसाइड का जो एक्सेस यूज़ है वो भी हम रोक सकते हैं, वो इसका फ़ायदा है। और चौथा ये है उसमें कि एनवायरनमेंट कैन बी सेव्ड, जो एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है वो भी हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर करके उसको रोक सकते हैं, ये उसका तरीका है। अभी हम चैलेंजेस के बारे में चर्चा करेंगे। अभी चैलेंजेस मतलब ये क्या चुनौतियां हैं। अभी तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर ठीक है भारत देश में हमको करना है, लेकिन क्या चुनौतियां अभी आज की तारीख में हमारे भारत देश में हैं, उसके हम चर्चा करेंगे। पहली तो ये समस्या है कि हमारे देश में लैंड होल्डिंग कम है बहुत। अगर आप देखें तो लैंड होल्डिंग एक हेक्टर एवरेज लैंड होल्डिंग एक परिवार की एक हेक्टर से है, तो एक हेक्टर बहुत कम लैंड होल्डिंग होती है, तो वो एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, बड़ी चुनौती है। दूसरा ये है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर ये हायर कॉस्ट है। आज की तारीख में कंप्यूटर, बहुत सारी मशीनरीज, ट्रैक्टर, उसका ऑटोमेशन, अगर ये पूरा GPS, GIS, ये पूरा तकनीक अगर लाना है उसमें, तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात होती है, और छोटे से फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये एक बड़ी दिक्कत, ये बड़ा चैलेंज आज की तारीख में है। तीसरा ये है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज की तारीख में भारत देश में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। आज भी आपको पता है कि देहात में या विलेजेस में रोड्स नहीं हैं, बहुत सारा मतलब अगर उधर खेत में जाना है तो पानी रहता है, बारिश रहती है, कीचड़ होता है, तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है। ये सारी दिक्कतें आज की तारीख में हैं। इवन आज की तारीख में चौथा हम इसी चर्चा कर सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन आज की तारीख में भी वो भी वायबल नहीं है हमारे भारत देश में। सोशल मतलब आपकी तारीख में फार्मर लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, इकोनॉमिकली उसको सपोर्ट नहीं है, ये सारी दिक्कतें आज की तारीख में अगर हमको प्रिसीजन एग्रीकल्चर अगर करना है तो वो ये चार दिक्कतें, ये चैलेंजेस आज है। अभी हम चर्चा करेंगे कि उसका वे फॉरवर्ड क्या है, उसका वे आउट क्या है। जो समस्याएँ तो हमारे यहाँ है, हमारे देश में है, लेकिन उसका वे आउट क्या है उसको। जैसे हमने देखा कि फार्मर लोगों का खेती बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है, तो आज की तारीख में जो किसान है आज गांव में एक साथ आ रहे हैं और साथ में आकर ग्रुप फार्मिंग करने कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और साथ में खेती मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि अभी अलग अलग खेती जो करने के जो दिन है वो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि आज एक ग्रुप फार्मिंग करके एक साथ में आकर खेती करना, उसका चैलेंजेस फेस करना, इसके सिवा आज कोई चारा आज की तारीख में हमारे किसान के सामने नहीं है। दूसरा वे आउट ऐसा है कि कस्टम हायरिंग करके आज गांव में खेती कर रहे हैं लोग, जैसे कि भाड़े से उसको ट्रैक्टर लाना, उसके भाड़े से मशीनरीज लाना, उसका जो काम करके लेना, ये चीज़ें आप गांव लेवल पे हो रही है, तो ये उसके तरीके से भी हम कस्टम हायरिंग करके ये कर सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग, तो उसका भी एक वे आउट दूसरा है। तीसरा ये है कि नए तकनीक को जो शासन स्तर पर सब्सिडी देकर उसका प्रमोशन किया जा सकता है। शासन स्तर पर उसको सब्सिडी देना आवश्यक है प्रिसीजन फार्मिंग, नए फार्मिंग के टेक्निक के लिए, और उसको प्रमोशन करना शासन स्तर पर आवश्यक है। चौथा ये है कि उसमें एडॉप्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए तंत्रज्ञान आ रहे हैं, ये जो नए युवक अगर इस क्षेत्र में अपना करियर करना चाहते हैं क्षेत्र में, तो उनको ये सिखाना पड़ेगा, उनको ये तकनीक हमको अपने देश में लाना पड़ेगा, तो नए युवक इस क्षेत्र में आ सकते हैं, उनको रोज़गार भी मिल सकता है। और पांचवा ये है कि आज की तारीख में
फूड सिक्योरिटी आवश्यकता हमारे देश को है। देखिए आज ऐसी परिस्थिति है कि ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन तो बढ़ नहीं रही, उलट कम हो रही है, लेकिन जनसंख्या तो हर बार हमारी बढ़ रही है, ज़रूर बढ़ रही है, तो उसको भी हमको कैटर करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये आवश्यक है हमारे लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज का वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हमें, ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को शेयर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।